नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आप देख रहे हैं खास खबर। चलिए एक नजर डालते हैं तमाम अहम बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद भले ही पाकिस्तान दुनिया के सामने कश्मीर का मुद्दा उठा रहा हो, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वह संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र की बैठक में दुनिया में एक जिम्मेदार सदस्य के तौर पर भारत विकास, शांति और सुरक्षा पर ही केंद्रित रहेगा। विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि भारत के पास संयुक्त राष्ट्र में दुनिया के सामने चर्चा करने के लिए कई और भी अहम मुद्दे हैं। आतंकवाद उनमें से एक है। हम कश्मीर के मुद्दे पर नहीं, आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया से चर्चा करना चाहते हैं। भारत के साथ ही दुनिया भर में किए गए सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था खराब के दौर से गुजर रही है। इस पर सच्चाई को स्वीकार करना होगा, हमें इसे नकारना नहीं चाहिए। ये बात राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर में कही। उन्होंने कहा कि अगर समस्या है तो उसकी आलोचना करने की बजाय हम सभी को सकारात्मक सलाह देने चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को तो इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि पिछले कई सालों से आर्थिक व्यवस्था दर इतना कम कैसे हो गया। लोगों के रोजगार छीन गए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इतना बड़ा बहुमत मिला और सरकार बनाने में चंद महीनों के बाद ही आरबीआई से 1,76,000 करोड़ रुपए लेने की जरूरत पड़ गई। बांसुर के कोटपुतली रोड पर सुभाष चौक के समीप स्थित इंडियन गैस एजेंसी के कार्यालय में गुरुवार रात शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। हादसे के दौरान कार्यालय में करीब 9-10 छोटे गैस सिलेंडर फटाफट कर हवा में उड़े। गुरुवार रात करीब 8 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से कार्यालय में आग लग गई। कुछ ही देर में आग की लपटें तेज हो गई और काफी ऊपर तक जाने लगी। इसके बाद कार्यालय में रखे 5 लीटर गैस के छोटे सिलेंडर तेज धमाके के साथ एक एक कर फटने लगे। वहीं जयपुर के पावटा में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए फिट है तो इंडिया फिट, बॉडी फिट तो माइंड फिट कार्यक्रम के पावटा स्टेडियम डॉक्टर जयराम यादव के मुख्य अतिथि आयोजित किया जाता है। विराटनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मेड़ में स्वच्छता अभियान का मजाक धड़ल्ले से हो रहा है। जहां सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है तो वहां पंचायत स्वच्छता अभियान की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसमें गंदगी से बीमारियां फैल रही है और पंचायत प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। विराटनगर पंचायत समिति स्वच्छता अभियान पर कोई ध्यान नहीं दे रही, जिससे खतरनाक बीमारियों को न्योता मिल रहा है। वहीं करौली के टोडा भीम के बालघाट थानाधिकारी सैयद शरीफ अली का स्थानांतरण महिला थाना करौली हो जाने पर गुरुवार को बालघाट क्षेत्र के ग्रामवासियों ने थानाधिकारी शरीफ अली का माला व साफा पहनाकर भावभीनी विदाई दी गई। थाना प्रभारी सैयद शरीफ अली ने थाने में 21 फरवरी 2019 से कार्यरत है। ग्रामवासियों ने थाना प्रभारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनका कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा। उनके कार्यकाल में वर्षों से न्यायालय से फरार चल रहे कार वारंटियों व इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की। श्री गंगानगर पंचायत धर्मशाला में मनरेगा मेट यूनियन बैठक की। कई मनरेगा मेट यूनियन बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रमेश परिहार, प्रदेश संयोजक सरवन पवार, प्रदेश संगठन मंत्री सतपाल जांगिड़ बैठक में रहे। वहीं महिला प्रदेश प्रभारी वीना इंदौरा, जिला अध्यक्ष खेता सिंह, जिला प्रभारी श्री गंगानगर रणजीत मजोका, विनोद विश्नोई, प्रकाश बाजोरिया, देवेंद्र धालीवाल, सुमन जाट, सोनी देवी सहित अनेक लोग भी बैठक में उपस्थित रहे और अनेक विषय पर चर्चा की गई। सिरोही पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीणा के निर्देश पर स्थायी वारंटियों की धरपकड़ अभियान के तहत रोहिड़ा पुलिस ने लूट के आरोप पर फरार चल रहा है।
आरोपी जीवाराम उर्फ जीतराम गरासिया को थानाधिकारी हरिओम मीणा द्वारा गठित टीम से हेड कांस्टेबल देवाराम लक्ष्मण राम कांस्टेबल पुखराज विनोद द्वारा दबोचा गया। तो वहीं आपको बता दें कि उक्त आरोपी लूट के गंभीर आरोप में फरार चल रहा था। वहीं जालौर के वीराना के गांव राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 64वीं ब्लॉक स्तरीय कबड्डी खो खो प्रतियोगिता और जिम्नास्टिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह विधायक जोगेश्वर गर्ग के मुख्य आतिथ्य व भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। वहीं जालौर के वीराना गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 64वीं ब्लॉक स्तरीय कबड्डी खो खो और जिम्नास्टिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह विधायक जोगेश्वर गर्ग के मुख्य अतिथि व भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह की बालावत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। रामदेवरा भारतीय जनता पार्टी व भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन अवसर पर आयोजित सेवा सप्ताह के छठे दिन प्लास्टिक के विरुद्ध जन जागृति अभियान की शुरुआत की। वहीं भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रेम मौर्य ने बताया कि कार्यक्रम में महंत प्रतापपुरी महाराज सेवा सप्ताह के जिला संयोजक सांग सिंह भाटी व राव भूम सिंह तंवर नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्लास्टिक उपयोग नहीं करने का संकल्प लिया। पोखरण में अल्पसंख्यक मामलात वर्क्स व जन अभियोग निराकरण विभाग मंत्री पोखरण विधायक साले मोहम्मद 2 दिन तक क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मंत्री साले मोहम्मद शुक्रवार को दोपहर पोखरण पहुंचेंगे और यहां से वो अपने निवास स्थान पर जनसुनवाई करेंगे। इसके बाद शाम को मदरसे में आयोजित साइकिल रैली स्वागत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को दोपहर ख्वाजा से नवाज की दरगाह शरीफ पर जियारत की और दरगाह पर शरीफ अहमद पर दरगाह कमेटी की ओर से निजाम गेट पर सदस्य मुनवर खान ने गुलदस्ता भेंट कर इस्तकबाल किया। वहीं महामहिम खान ने मजार शरीफ पर मखमली चादर और फूल पेश किए, उन्हें जिन्हें जियारत सैयद लियाकत हुसैन मोइनी ने करवाई। इस मौके पर अंजुमन सैयद जादगान की ओर से दस्तार बांधी गई और तबर रुख पेश किया गया। वहीं नागौर के नगर परिषद उपसभापति इस्लामुद्दीन खान पहुंचे और जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और नागौर सभापति का चार्ज दिलवाने की मांग की। वहीं इस्लामुद्दीन खान ने कहा कि नियमानुसार चार्ज मिलना चाहिए, उन्हें ही मिलना चाहिए। गहलोत ने अधिकारियों को दिए इस्लामुद्दीन खान को सभापति चार्ज देने का निर्देश। वहीं नागौर के सभापति कृपाराम सोलंकी की मृत्यु के बाद नागौर सभापति सीट हो गई थी खाली, जिसकी वजह से नागौर नगर परिषद में ठप पड़े हुए विकास कार्य को आगे बढ़ा सके। भीलवाड़ा नगर विकास न्याय के सचिव नितेंद्र पाल सिंह ने अधिवक्ता अशोक जैन को न्यास की ओर से पैरवी करने के लिए अधिवक्ता पैनल में नियुक्त किया। वहीं जैन वर्ष 2011 से 2015 तक के न्यास की पैनल अधिवक्ता थे। उल्लेखनीय है कि इस दौरान नेहरू रोड चोरी करने और उनमें से जुड़े 350 मामलों में न्याय के पक्ष में जैन ने पैरवी की थी। वहीं पोखरण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर स्वच्छता फिट इंडिया राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के सूचना व सूचना प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो जोधपुर की ओर से पोखरण में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TPK News। नमस्कार।